आ जाओ। सो गाइस देखिए यहाँ पे शिवा की मम्मी, शिवा की मम्मी नहीं, कॉफी लेके आ गई है। और कौन हो? आपकी शेफ, आपकी मेड। जो भी है, कॉफी लेके आ गई है शिवा की मम्मी। और देखिए यहाँ सामान वगैरह बिखरा पड़ा है क्योंकि पैकिंग चल रही है। यहाँ एक जीन्स है, वो बैग है, एक बैग ये है। मैं अभी प्रेस करने वाला था, मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी लेता हूँ, अपनी भूख जैसी लग रही है। और ये देखिए ये है, मैं सोच रहा हूँ कपड़े क्या पहनूँ, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या कपड़े पहन के जाऊँ, क्योंकि गर्मी भी है। गर्मी के हिसाब से तो अपना ये टी शर्ट को ही डाल लेता हूँ और जीन्स डाल लेता हूँ। चलिए देखते हैं क्या मैं पहन के जाता हूँ। कॉफ़ी मेरा स्टॉक हमेशा मेरे साथ रहता ही है। कॉफ़ी ब्रू है ना, मतलब बहुत कम जगह मिलती है, मुंबई में ही मैंने देखी है, बाकी अपना नॉर्थ साइड में तो कहीं मैंने इसको देखा नहीं है, ये कहीं मिलती नहीं है। और मेरे को यही टेस्ट पसंद है। ये देखिए गाइस 1:30 बज चुके हैं, मतलब ऊपर ही है 2-3 मिनट। और ये बैग है पैकिंग हो गया, और यहाँ पे किचन में काम चल रहा है, ये सब्जी बना दी है, देखना सब्जी बन गई है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कैसी है ये, अच्छी है कि बेकार है। ये पूड़ी का आटा है, पराठे का आटा, क्या क्या बनाना है, बना रहे हो आज? गाइस यहाँ सबको सैमसंग हुआ सबरिन ने, वहाँ दूध चला जाता हमारा। और इसमें देखिए घर के सामान है, खाने के पानी, ब्रेड है सुबह नाश्ते के लिए, जैम है, पानी है, और खाना बन रहा है। एक इसमें है दूध बैग हमारे, क्योंकि हम दोनों अलग जा रहे हैं, पापा वगैरह अलग, मैं और सब वगैरह सब बैग में अलग। दूध फैल गया सब, बस सब गया। अच्छा फिर बैठ, कौन सी है, कौन है? 2, 4, 8, 9, 12। 8, 9 तो एक ऊपर नहीं है, नीचे नहीं। अरे ये दोनों ऊपर की हैं, एक उधर की है, ऊपर की नीचे की। ओए इसको पकड़, चलो इधर, क्या ऊपर चढ़ा। अभी मैं हूँ गोल्डन टेम्पल में, और यहाँ से इसका टाइम है 6:45 शाम का, इवनिंग का, तो मैं दोपहर से दिखाऊंगा तो आपके डायरेक्ट। सुबह देखो इस शॉपे को मेरे सामने बैठे हैं, हम लोग बैठ चुके हैं गोल्डन टेंपल में, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कुछ आधा घंटे से पहले। देखिए ट्रेन निकल चुकी है, रात का समय कुछ ऐसा है, सामने टेंपल जो ऊपर बैठे हैं वो लोग भी खाना खा रहे हैं। स्लीपर क्लास आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो देखिए 1203 गोल्डन टेम्पल का मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ। गाड़ी को चले काफ़ी टाइम हो चुका है, ये डिस्पेंसरी लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बिजली नहीं, पानी आ रहा है। सो गाइस अभी ना सो जाएंगे हम लोग जाके, मैं अपनी सीट पे जाके सो जाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको ना सीधा मथुरा स्टेशन पे या फिर जहाँ पर मेरी आँखें खुलेंगी वहाँ मैं आपको मिलता हूँ। वॉइस बहुत ज़्यादा आपको आ रही होगी ट्रेन की, क्योंकि ट्रेन चल रही है।
तो गाइस ये जो सीन था ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने शूट कर लिया। क्योंकि जैसे कि आप लोग, मेरा चैनल जो है वो ट्रैवल ब्लॉग का नहीं है, फैमिली ब्लॉग का है, तो मैं अपनी फैमिली के आसपास ही ब्लॉग करता हूँ। तो अभी मैं आपको ना मॉर्निंग में मिलता हूँ। सो गाइस यहाँ हम लोग रेडी रेडी हो के मैं बैठा हूँ ऊपर वाली अपनी सीट पर। तो मथुरा स्टेशन आने का इंतज़ार है, कुछ आधे एक घंटे में मथुरा स्टेशन आ जाएगा। तो इसमें से काफ़ी लोग तैयार हैं उतरने के लिए मथुरा स्टेशन पर। सो गाइस अभी मैं नीचे बैठा हूँ। देखिए श्रव्या भी अपनी मम्मी की गोदी में लेटी हुई है और श्रव्या की मम्मी चिप्स खा रही हैं। जैसे कि थोड़ा भूख लगी तो चिप्स खाने लगी। तो हम मैं गाइस देखिए अभी मैं मथुरा स्टेशन उतर चुका हूँ और यहाँ से अभी हम लोग अपने डॉक्टर के लिए बस पकड़े हैं आया कट से। चलिए लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर हम लोग सारे फैमिली बैठ के, जो बड़े भाई थे उनकी शादी हुई थी, जैसे कि लास्ट मैंने पहले अपना ब्लॉग देखा, मैंने मेरा नहीं देखा, मैं आप लोग शादी वाले ब्लॉग देख लेना। तो यहाँ पे अभी हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो फुल ऑन मस्ती, डांस वांस हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है सब देख के, अपने आप को टीवी पर देख के। कितना आसान है आज के टाइम में अपने आप को टीवी पर देख रहा हूँ, शूट करो अपलोड करो, नहीं तो पेन ड्राइव में अपलोड करो, टी वी में लगा हुआ अच्छा हो जाए। देखिए मैं भी डांस कर रहा हूँ, देखिए दो भाई और यहाँ पे हम लोग देखिए तीन चार डांस कर रहे हैं। तो आप लोग मजे लीजिए। कैसे नाच रहा हूँ। सो गाइस देखिए यहाँ पे ना मेरा जो बड़े वाले ताऊ हैं उनके बेटे आए हैं, बड़े वाले भाई। तो यहाँ पे जब घर की बहुओं को ये काम होता है कि उनके पैर पड़ना, सबके पैर पड़ना, तो वो लाइन से पैर पड़ रही हैं। तो इन भैया का नाम है राजकुमार। अशरफ भी देखिए मस्ती कर रही है और गाइस हमारे में ये रिवाज है, मतलब ये हमारे में कि बहन चाहे बड़ी हो या छोटी हो, भाई उनके पैर छूते हैं और जो बहन है या बेटी है वो पैर नहीं छूते हमारे यहाँ पर। मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ। आप मथुरा स्टेशन उतरने के बाद भी इतना भागा दौड़ी में बस पकड़ी और काफ़ी चल के आना पड़ता है वहाँ से, और बस पकड़ी, बस के बाद फिर यहाँ गांव के कट पे टप्पल कट पे उतरे। तो वहाँ से सॉरी टप्पल कट पर नहीं, गांव के ऊपर ही हम लोग उतरे थे। हाईवे गया नीचे से गांव के लिए, रोड गया तो उसी पर हम उतरे थे। और मतलब आपको पता ही है ना, फैमिली के साथ में एक बड़ा होने की, मतलब मैं घर में सबसे बड़ा हूँ तो जिम्मेदारी थोड़ी सी रहती है सामान वामान उठाने की जो भी है। तो अभी यहाँ आके खाना वाना खाया, खाना वाना खा के थोड़ा ऐसे हम लोग बैठ गए, बातचीत हुई और उसके बाद क्लिपिंग आप देख लीजिएगा। सब लोग शादी की वीडियो देख रहे थे, वो मैंने शूट कर लिया है। और अभी शाम के वक्त है और देखा, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा बाहर का नज़ारा है। और देखिएगा ये गिलोल है, जिसको मुंबई की भाषा में केटी बोलते हैं, कैटी। ये पता है ये है बंदर भगाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बंदर आ रहे हैं। और ये मंदिर है गाइस, आप लोग सर्च कर सकते हैं नूरपुर हनुमान मंदिर नूरपुर। तो आपको एक साल पहले की वीडियोज़ आना चालू हो जाएंगे। देखिए भाई आसमान एकदम मस्त है, कपड़े उपड़े यहाँ डाल दिए, हालांकि यहाँ पे बंदर आ जाते हैं इसीलिए ये है भगाने के लिए और कपड़े उपड़े फाड़ देते हैं।
चलिए गाइस, अभी यहाँ मेरे को कुछ काम था, मेरे को लगा यहाँ कुछ अच्छा, यहाँ वो सैंडल रखने आया था मैं अपने, वो वाले, ये देखिए ये, तो अभी चलते हैं यहाँ से नीचे। कौन है? वो देखिए भैंस। तो मैं गांव पहुंच चुका हूं अपने, तो इस तरह का माहौल है यहां का शाम के वक्त। सो गाइस, यहाँ पर सब लोग खाना वाना खाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो देखिए सामने भाई जो है वो नींबू काट रहा है सब्जी में डालने के लिए, और बड़े माँ हैं, भाभी हैं, वो भाई है बड़ा वाला जिसके भी शादी हुई थी। और ये शब्द भी सो रही है गाइस, मैं जैसे कि गांव पहुंच चुका हूँ, और ये देखिए ये टेरेस पे सो रहा हूँ मैं, और यहाँ देखिए इस साइड ये नीम है, ऊपर नीम का पेड़ है। और से जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा आपको पूरे गांव मतलब क्या क्या मैं करता हूँ, क्या क्या है वो पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।